morning guys and welcome back to our channel Pray Chow Vlogs. भाई आंखें नहीं खुल रही है क्योंकि सन स्लैप मार रहा है और ये जुराबे मोबाइल और वॉच लेके नीचे जा रहा हूँ. आप लोगों को बता दूं कि अभी टाइम हो रहा है 8:30 और आपका भाई नहा धो के ऑल सेट हो चुका है. मतलब नहा धो के रेडी हो लिया है. 8:30 में नीचे जा रहा हूँ. मतलब सोच लो मैं उठा कितने बजे का होऊंगा है भाई. और आप लोगों को जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि भाई लास्ट 3 दिन से तो मैं सुबह 6:30 उठ जा रहा हूँ. हाँ भाई अभी थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करने का टाइम आ गया है. जो रूटीन है अपना वो चेंज करने का टाइम आ गया है. मैं आप लोगों को आगे के व्लॉग में भी बताया था कि सबकी लाइफ में ऐसे टाइम आते रहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है या तो ऑटोमेटिकली हो जाता है. बट अभी मेरे को लास्ट 15 दिन से ऐसा फील हो रहा था कि भाई देखो ये चीज़ ऐसी है कि ये खुद ब खुद तो होगी नहीं. ये चेंज अपने को ही करनी पड़ेगी. हमारा मेरा स्लीपिंग शेड्यूल हो गया, पूरे दिन का खाना हो गया, उठना सोना, कितने घंटे की नींद होनी चाहिए, कितने घंटे मैं खुद डीप स्लीप में सोता हूँ, कितने घंटे मैं नॉर्मल स्लीप में सोता हूँ, वो सब एनालाइज करना. तो ये तो खुद होने वाला है नहीं है, ये तो अपने को खुद ही करना पड़ेगा ना. तो बस वही स्टार्ट किया है. आप लोगों को धीरे धीरे मैं सब अपडेट देता रहूँगा कि मैं कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, किससे एनालाइज करता हूँ, क्या है क्या नहीं. बाकी अभी फटाफट से चलते हैं नीचे और मम्मी पापा और वो लोग आज शायद गांव निकलने वाले हैं. तो फिर से इस सैटरडे संडे मैं और रुचा होम अलोन होने वाले हैं. तो देखते हैं भाई सैटरडे संडे को तो फिर क्या ही करेंगे. सैटरडे तो मैं तो ऑफिस पे रहूँगा, संडे को उसके शूट्स होंगे. तो हमारा तो नॉर्मल जैसा ही चलता रहेगा. बट रात को कहीं पे बाहर वाहर डिनर विनर या ये सब करने के लिए जाएंगे है? वो तो चलो तब की बात है जब वो लोग जाए. अभी उनका भी कुछ फिक्स नहीं है कि जाएंगे ही जाएंगे, बट ऐसा बोल रहे थे कि हाँ भाई जाना है. हाँ भाई तो चलो चलो नीचे चलो. प्रेरक सर तो ऑफिस चले गए बट ऑफिस चले जाएंगे. अगर मैं आपको टाइम बताऊं ना तो आप चकाचौंध हो जाओगे क्योंकि टाइम हो रहा है 3:30 दोपहर के. जी हाँ गाइस, और मैं इतने बजे ये कुर्ते में आई हूँ. अभी जस्ट मैं नहा के बाहर निकली. अभी मेरे बाहर के मतलब वॉश के कपड़े भी बाहर ही पड़े हैं. मैं अभी नहा के क्यों निकली क्योंकि मैं अभी ऊपर आई. अभी ऊपर क्यों है क्योंकि मम्मी पापा आशु दादा और चाचू पांचों पांच जन गए हैं गांव. हमारे गांव मतलब कि मेहसाणा कमालपुर गए हैं वो लोग कुछ काम से. तो वहां पे उन लोग वो लोग निकले 1:00. मैं वेट कर रही थी वो लोग निकले तब मैं पूरे घर को लॉक कर दूं क्योंकि सामने चाचू की साइड भी कोई नहीं है, हमारी साइड भी कोई नहीं है. तो मैं लॉक करके उसके बाद ऊपर आने वाली थी. तो उतने में मेरे को बहुत ज्यादा देर हो गई भाई, इसीलिए ऊपर नहा के और फिर एक शूट आ गया मेरा. तो मैंने सीधा चड्डे के ऊपर कुर्ता ही डाल दिया. मैंने बोला पहले कुर्ते में शूट क्योंकि वो शूट कुर्ते में करना था. तो अभी कुर्ते में कर लिया. अभी इसके ऊपर टी शर्ट चेंज करते और अपनी रील शूट करते क्योंकि हम है घर पे अकेले. प्रेरक सर तो आएंगे शाम को तो हम करेंगे आज मजे होम अलोन. प्रेरक सर की मैंने टी शर्ट पहन ली. मैंने बोला ना उसने अपनी 3-4 टी शर्ट निकाल दी कि मेरे को ये पहननी ही नहीं है. तो मैंने अभी प्रेरक सर की टी शर्ट पहन ली है. इतनी बढ़िया सी प्यारी सी टी शर्ट है लेकिन वो बोल रहा है कि मेरे को है ना ये छोटी पड़ रही है. अभी मेरे को इतने तक आ रही तो उसको छोटी कैसे पड़ेगी पता नहीं, वो क्या ही करता रहता है. तो अपने अभी इस टी शर्ट में वीडियो शूट करते हैं. बाकी ये कलर तो बहुत ही प्यारा लग रहा है और बॉयज की टी शर्ट का यही मेरे को बेनिफिट रहता है कि वो इतने तक पैक आती है. हम झुके कुछ भी करें यहाँ पे अपने का आगे का कुछ भी हिस्सा दिखेगा नहीं, इसलिए मेरे को इतनी टी शर्ट बहुत पसंद आती है. यहाँ तक बॉयज की टी शर्ट मेरे को ज्यादातर पसंद आती है. 5:15 चाय का टाइम हो गया और घर पे नाश्ता खत्म हो गया था. तो मैं ये मैरीगोल्ड और प्रेरक है ना अभी रोज सैलाड खाता है तो उसके लिए मैं ये थोड़ी सी क्यूकुम्बर लेके आई. ये क्यूकुम्बर अनियन और उसके अंदर नींबू वगैरह डाल के सलाद बनाता है. अभी नींबू है कि नहीं घर पे? हाँ ये रहे बहुत सारे. तो अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ मस्त मज़े की चाय. इतना बड़ा कप भर के आज 2-3 दिन बाद मैं चाय पीऊँगी वरना मैं ना अभी चाय बंद कर दी. मैंने दूध ही पीती हूँ मैं सिर्फ. बनाना की चिप्स भी लेके आई थी चाय के साथ खाने के लिए लेकिन बहुत तीखी है और मुँह में लग रही है इसीलिए अपने मैरीगोल्ड बहुत बढ़िया चाय में डुबो और फिर वो सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए उसके बाद खा लो. और मैं देख रही हूँ मेरी सीरियल लेकिन ये बंद करके अभी अपने चालू करेंगे तारक का मेहता का उल्टा चश्मा. आ ही रहा होगा शायद. हाँ भिड़े सर
यहाँ पे मैंने राइस रखे बॉईल होने के लिए और यहाँ पे मैंने प्रेरक सर के लिए आलू की सब्जी रखी हुई है। अभी राइस हो जाएंगे, उसके बाद राइस को मैं अनियन से तड़का मारूंगी और प्रेरक सर के लिए जो सैलाड के लिए मैं क्यूकुम्बर लाई थी वो सब बनाऊंगी। पहले ये दोनों हो जाए, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे राइस को, उसके बाद 8:30 बजे प्रेरक का सैलाड बनाएंगे। और अभी टाइम बता दूँ तो अभी बज रहे सिर्फ 7 और घर पे कोई है नहीं, तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे वेलकम बैक। राइस फ्राई हो गए मस्त मजे के अपने, इसमें प्रेरक सर की आलू की सब्जी भी बन गई है और इस तरफ प्रेरक सर को प्लेन राइस खाने थे तो प्लेन राइस भी बन गए और रोटियां भी बन गई है। देख लो मैं छोटी छोटी रोटियां बनाती हूँ और अभी प्रेरक सर के लिए ये सब कट कर रही हूँ, उनको ये कचुम्बर जैसा चाहिए। टोमेटो, उनको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है इसीलिए टोमेटो वो नहीं खाते, बाकी देखो कितना लंबा बाल निकला, इसको फिर से वॉश करना पड़ेगा। अभी वो टोमेटो किडनी स्टोन की वजह से नहीं खाते इसीलिए सिर्फ ककड़ी एंड अनियन। अभी बाहर बैठते हैं, महादेव देखते हैं और इसको कट करते हैं। मैं अकेले बैठी थी और मुझे इतना रोना आ रहा था कि मत पूछो बात, और रीज़न भी मेरे को पता नहीं कि मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है, बस आंखों में से पानी निकल रहा है। ना मुझे प्रेरक की याद आ रही है, ना मेरे मम्मी पापा की याद आ रही है, ना प्रेरक के मम्मी पापा की याद आ रही है, ना अकेला फील हो रहा है, पता नहीं क्यों रो रही हूँ। लेकिन जब से ये अनियन कट करी तब से रोए जा रही हूँ। भाई अनियन तो ऐसी क्यों है, 2 ही अनियन कट की है मैंने अभी तक और ये देखो मेरी हालत, आँख में से सभी जगह से पानी निकल गया। तो बहुत सारे आंसू बहाने के बाद फाइनली मेरा सैलेड कट हो गया। अभी इसके अंदर मसाला वसाला डालते हैं और प्रेरक सर का वेट करते हैं कि वो कितने बजे आएंगे। अभी 8:30 बज गए, शायद से प्रेरक सर आ ही जाएंगे, तब तक के लिए इसके मसाला डाल के तैयार करते ताकि वो आए और हम लोग सीधा खाना खाने बैठ जाए। इस सैलेड या कचुम्बर जो भी बोल लो उसमें मैंने मसाला कर दिया और मसाले में मैंने डाला है लाल मिर्ची, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू। ये रेडी है, अभी प्रेरक सर बस आते ही होंगे, वो आए तब खाना खा लेते हैं। खाना लगा दिया है, इतना प्रेरक का और ये मेरा, मैं भाई इतनी छोटी सी हूँ, मेरा कद भी इतना है, मैं इतना ही खाती नहीं भाई। लेकिन प्रेरक आज मैंने देख वो कचुम्बर और सैलड जो भी तू बोले मैंने बनाया, बुरा ही मत करना वरना कल से नहीं बनाऊंगा। नहीं अच्छा दिखने में, तो अच्छा दिखने में टेस्ट कर, अगर नमक वमक कम हुआ तो डाल देना। नहीं अच्छा है, मैंने टेस्ट नहीं किया क्योंकि मैंने मिर्ची डाली ना तो मेरे को तीखा लग रहा था। ठीक है, वो तो ज्यादा कुछ हुआ तो थोड़ा दही डाल दूंगा तो एडजस्ट हो जाएगा। वाह, टाइम हो रहा है 10:10 और चक्कर वक्कर मार के आ गए और मैंने टीवी भी चालू कर दिया, ये मूवी आ रहा है। और आज भाई रुचा को आइसक्रीम खाने की इच्छा थी लेकिन मेरा ये तो रुचा ये वाला आइसक्रीम लाई क्योंकि मैं छोटी हूँ। अबे तेरी छोटी, तो भाई रुचा ये वाला आइसक्रीम लाई और मैं ये वाला आइसक्रीम लाया, ये मैं पहली बार ट्राई करूँगा। और मैं ना ये बॉक्स उन्होंने दिया ना तो मेरे को एक बार क्वेश्चन हो गया, तो मैंने पूछ लिया कि मैंने उनको क्वेश्चन पूछ लिया कि ये कौन ही है ना, तो बोले हाँ, बोले क्यों, मैं बोला फैमिली पैक जैसा लग रहा है ये देखो ना इतना। चलो तो भाई आज इसको अनबॉक्स करते हैं, पहली बार मैं मेरी लाइफ में इतना बड़ा कोन घर पे लाया हूँ। और बाहर खाया था? नहीं बाहर भी नहीं खाया कभी। और ये देखो वाह, ऐसी पैकेजिंग सच में भाई हम लोगों ने, मतलब मैंने तो सिर्फ वीडियो में ही देखी है, आज पहली बार ऐसा खा रहा हूँ। ये प्लास्टिक आज तक हम लोग ऐसे ही कोन खा के बड़े हुए हैं, यही वाले ये इसीलिए होते कि उसका जो बाहर का आउटर एरिया होता है ना वो बिगड़ ना जाए। अभी सही से खोलना, इसमें क्या सही से खोलने का है, किधर से इधर से खोलने का, ऊपर से है 2। बोलो क्या? सोचा था कभी ऐसा भी आएगा, ऊपर से खोल, वो बोल रही हूँ वो खोलने का है, दोनों अपोजिट साइड खोल भाई, ये तोड़ डालेगा मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ लगा तो लो, खोदा पहाड़ निकला चूहा, चूहे के जैसे कलर का ही है। मेरे को तो लगा इतना बड़ा कुछ होगा, इसके लिए इतना बड़ा बॉक्स दिया है क्या यार, बट चलो कोई नहीं, ये सब चीजों बनाने में उनका भी पैसा खर्च हुआ होगा। तो अपना भी अभी इतना सब बता दे कितने रुपए का लाया। 80 रुपए का और मेरा 20 रुपए का। भाई अपना अच्छा है, ऐसे ऐसे वाले अगर 10 रुपए ऐड करता ना तो ऐसे वाले 3 कोने आ जाते।
नहीं है भाई, ये सिर्फ एक बार चखने के नहीं लिए। चख अच्छा होएगा, नहीं टेस्ट वाइज अच्छा होगा, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छा हो तो भी नहीं दूसरी बार लाना है। क्यों, ज्यादा महीने में एक ही बार खा सकेंगे? नहीं महीने में एक बार नहीं, चाहे तो मैं ऐसे दिन के रोज के पर खा सकता हूँ 10-20, बट बात वो नहीं है, ये वर्थ इट नहीं है। 80 रुपए मेरे को वर्थ इट नहीं लगे आइसक्रीम के पीछे, साला और 30 रुपए ऐड करता ना 110 रुपए का फैमिली पैक आ जाता। ठीक है चल अभी खा ले, लेके आया है तो, वरना पेट दर्द करेगा। मेरा तो कोन खत्म हो गया, बट ये रुचा देखो। वैसे ले चॉकलेट कोन लेती हूँ भाई, बहुत गंदी आदत है इसको ये वाली, बट चलो कोई नहीं, सबकी होती है। ये आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। देखो भाई मैं भी ऑफिस से आया ना पूरा थका हुआ था, रुचा भी आज घर पे अकेली थी तो वो तो थकी हुई नहीं थी, वो तो सोई है। थकी हुई हूँ क्या किया ऐसा तो, अच्छा सो सो के थक गई है रुचा। बैठे। ओ चलो कोई नहीं गाइस, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना कि आपने ये 80 रुपए वाला कौन खाया है कि नहीं खाया है। मैंने तो मेरी लाइफ में पहली बार खाया और मैं सच में बता रहा हूँ कि भाई मेरे हिसाब से इट्स नॉट वर्थ इट। तो ओके चलो मिलते हैं कल के व्लॉग में, टिल देन बाय गाइस, गुड नाइट, टेक अ लव यू ऑल।